कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। विधायक का कहना है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जनता के प्रति कितनी चिंतित है, इसका जीता जागता उदाहरण सीधी बस हादसा है। सीधी हादसे में हुई छात्रों की मौत का जिक्र करते हुए कमलेश्वर पटेल ने कहा कि नर्सिंग की परीक्षा के लिए सीधी सिंगरौली में नहीं बल्कि सिर्फ सतना में सेंटर बनाया गया, जबकि सीधी में 11 लाख से ज्यादा की आबादी है। सिंगरौली की भी यही स्थिति है, उसमें छात्र किस तरह से पहुंचे, इन सब पर सरकार पर्दा डालना चाहती है। देश के बेरोजगारों, गरीब जनता और किसानों के प्रति, और हम कह सकते हैं छोटे छोटे जो उद्यमी हैं, सभी वर्ग के प्रति, महिलाओं के प्रति कितनी चिंतित है, इसका जीता जागता उदाहरण हमारे सीधी में जो बस त्रासदी हुई है, उस बस त्रासदी में हमने विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव भी लगाया है। उसमें किस तरह से लोग वहां पहुंच के एग्जाम दिए, किस तरह से परेशान हुए, सरकार पर्दा डालना चाहती है, अपनी कमी को छुपाना चाहती है।